पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी नलिनी ने पिछली रात जेल में खुदकुशी करने की कोशिश की। नलिनी वेलरम जिले में बंद है, जहां उसे कथित तौर पर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस बारे में महिला दोषी के वकील पुगलेती ने जानकारी दी। महिला के वकील पुगलेती ने इंडिया टुडे को फोन कर घटना की जानकारी दी। वकील के मुताबिक जेल में पिछले 29 साल से बंद महिला के साथ ऐसी पहली बार हुआ जब उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। वकील ने बताया कि जेल में महिला और एक कैदी के बीच कथित तौर पर झगड़ा हुआ था। दोषी महिला का जिससे झगड़ा हुआ था वो भी उम्र कैद की सजा में बंद है। उस कैदी ने झगड़े की शिकायत जेलर से की, जिसके बाद महिला कैदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। वकील ने कहा कि महिला कैदी ने ऐसी कोशिश पहले कभी नहीं की थी, इसलिए इसकी असली वजह जानने की कोशिश की जा रही है। पुगलेती ने कहा कि महिला अपराधी का पति मुरुन भी राजीव गांधी हत्याकांड में जेल में बंद है। उसने आग्रह किया है कि महिला को वेलरम जेल से पुझल जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। वकील पुगलेती ने कहा कि मुगरून की इस मांग को कोर्ट में उठाया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे भी देश दुनिया की खबर के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज के साथ। धन्यवाद।